viewers, welcome to my next video. आज हम करेंगे pure vowel sounds, जिन्हें कि diphthongs भी कहा जाता है. मैंने अपनी previous video में पहले भी बताया था why these are called pure vowels, because there is no obstruction while the air passes from lungs. Clear? तो the RP symbol, पहले हम symbols, then इनकी हिंदी में क्या वर्णमाला है, पंजाबी में कौन सी मात्राएं हैं और इनकी एग्जाम्पल्स करेंगे. अगली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करनी है. जब हम पूरा डिस्कस कर लेंगे वाउल्स, कंसोनेंट, डिप्टॉन्ग्स, देन वी विल डिस्कस हाउ टू ट्रांसक्राइब देम. क्लियर? लेट्स डिस्कस द आरपी सिंबल. सो व्हाट इज आरपी? आरपी इज रिसीव्ड प्रोनंसिएशन. जो एक्सेंट सभी फॉलो करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, उसको बोलते हैं रिसीव्ड प्रोनंसिएशन. इसकी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. फर्स्ट वन इज स्लैंटिंग लाइन ने हमने सिंबल डाला है जो कि शॉर्ट वाउल है, दैट इज हिंदी में ई, छोटा ई, और पंजाबी में जिसको आप सिहारी बोल देते हो. तो इसकी एग्जाम्पल है ये. दिस इज नॉट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज सिंपल इंग्लिश. इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखी है ताकि अभी आप सिंबल्स समझ लो और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बता सकूं. तो फर्स्ट इज हिप, इसमें आवाज़ आ रही है हिप. शिप, कौन से सिंबल की आवाज़ आ रही है? छोटा ई. ई, लॉन्ग वाउल, बड़ा ई, पंजाबी में बिहारी. शीप, डीप. नेक्स्ट वन इज ऊ, छोटा ऊ. ऑंकड़, पंजाबी में ऑंकड़. हुक, फुल. ऊ, बड़ा ऊ. दुलेंकड़. फूट, बूट. नेक्स्ट वन इज ए, छोटे ए. लम, पंजाबी में लम. सेट, बेट. बड़ा ए, लॉन्ग साउंड, पंजाबी में दुलावा और हिंदी में ए को एक ही मात्रा. सैट, बैट, रैट, कैट. क्लियर है? साथ ही साथ आप और वर्ड्स ढूंढते जाइए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ कि इन सिंबल्स के साथ और कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं अगली वीडियो में. हाँ जी, नेक्स्ट साउंड्स, सेवंथ साउंड बेटा, अ, हल्का अ. हिंदी में भी और पंजाबी में भी हल्का अ. सी, हाउ टू प्रोनाउंस इट? अग्री. टीचर, टीचर, टीचर नहीं बोलना, हमने क्या बोला? टीचर. आर को अंदर ही अंदर खा जाना है तो वहां पे कौन सी साउंड लगेगी? अ, हल्का अ. नेक्स्ट इज थ्री के दो डॉट्स. और बर्ड, कर्ड, हर्ट. क्लियर? ओ, ये साउंड कौन सी है? ओ. माउथ की जो आपने शेप है उसका ध्यान रखना है. हिंदी में ओ और पंजाबी में होड़ा. डो, फ्लो. क्लियर? देन उल्टे वाला वी, हल्का. इट्स कच, बट. एग्जैक्टली अदर जो पंजाबी है वो वाला नहीं है ये, बट इसकी साउंड आती है कट, हट. इन आ, कहाँ पे लगेगा? बड़ा आ, पंजाबी में कन्ना. क्लियर? डार्क, शा. ओ, कनोड़ा, हॉट, कॉट. ये साउंड्स आपको मैक्सिमम लिख के देखनी है और इनके साथ के वर्ड्स ढूंढ के लिखनी है. ओनली देन आप इनको प्रैक्टिस कर पाओगे, इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर पाओगे. तो ये सिंबल्स आपने बार बार प्रैक्टिस करने हैं. पहले वाउल साउंड के प्रैक्टिस करने हैं, देन आई विल टीच यू डिप्थोंग्स, फिर उनके प्रैक्टिस करने हैं, देन आई विल टीच यू कॉन्सोनेंट्स, फिर उनके प्रैक्टिस करने हैं. क्लियर? आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डू फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लाइक टीचर, बर्ड, कर्ड. तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मिनिमल पेयर्स करवाऊंगी जो कि बीए, एमए या बीएड टीचिंग ऑफ इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू.
अदरवाइज दिस इज वेरी जर्नल. जिस भी बच्चे ने इंग्लिश सीखनी है, whosoever wants to learn English, तो ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है मस्ट है. तो कभी भी डिक्शनरी खोलो, वेदर इट इज़ ऑनलाइन, वेदर इट इज़ ऑफलाइन डिक्शनरी, या आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल है, जस्ट लुक एट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड एंड यू कैन स्पीक वेरी वेल. क्लियर? बने रहिए मेरे साथ आगे जानने के लिए. होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.